The Remarkable Rocket is a short fairy tale that was first published in 1888 in The Happy Prince and Other Tales, which is a collection of five fairy tales written by Oscar Wilde. The Remarkable Rocket. राजा के बेटे की शादी होने वाली थी इसलिए सामान्य आनंद हो रहे थे उसने अपनी दुल्हन के लिए पूरे साल इंतजार किया था और आखिर में वह आ गई थी वह एक रूसी राजकुमारी थी और छह इंडियर द्वारा खींची गई स्लेज में फिनलैंड से पूरे रास्ते निकली थी स्लेज को एक महान स्वर्ण हंस की तरह आकार दिया गया था और हंस के पंखों के बीच छोटी राजकुमारी को खुद रखा गया था उसका लम्बा शगुन लबादा उसके पैरों के ठीक नीचे पहुंच गया उसके सिर पर चांदी के ऊ तक की एक छोटी सी टोपी थी और वह स्नो पैलेस जैसा पीला था जिसमें वह हमेशा रहता था इतना पीला था कि वह सड़कों के माध्यम से चलाई सभी लोगों को आश्चर्य हुआ वह एक सफेद गुलाब की तरह है वे रोए और उन्होंने बालकनियों से उस पर फूल फेंके कासल के द्वार पर राजकुमार उसे प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहा था उसके पास स्वप्न बैंगनी आंखें थी और उसके बाल ठीक सोने की तरह थे जब वह उसे देखा था वह एक घुटने पर डूब गया और उसके हाथ को चूम लिया आपकी तस्वीर सुंदर थी वह बड़बड़ाया लेकिन आप अपनी तस्वीर से अधिक सुंदर हैं। और छोटी राजकुमारी शर्मा गई वह पहले एक सफेद गुलाब की तरह था अपने पड़ोसी को एक युवा पृष्ठ कहा लेकिन वह अब लाल गुलाब की तरह है और पूरा दरबार हर्षित हुआ अगले तीन दिनों के लिए हर कोई यह कहते हुए गया कि सफ़ेद गुलाब लाल गुलाब लाल गुलाब सफ़ेद गुलाब और राजा ने आदेश दिया कि पृष्ठ का वेतन दोगुना किया जाना था चूंकि उन्हें इस समय वेतन नहीं मिला था इसलिए यह उनके बहुत काम का नहीं था लेकिन यह एक बड़ा सम्मान माना जाता था और कोर्ट गजट में विधिवत प्रकाशित किया गया था जब तीन दिन पूरे हो गए तो शादी का जश्न मनाया गया यह एक शानदार समारोह था और दूल्हा और दुल्हन थोड़ा बैंगनी के साथ कशीदाकारी बैंगनी मखमली की छतरी के नीचे हाथ में हाथ डाले चलते थे तब एक राज्य भोज था जो पांच घंटे तक चलता था राजकुमार और राजकुमारी ग्रेट हॉल के शीर्ष पर बैठे और स्पष्ट क्रिस्टल के एक कप से बाहर निकले केवल सच्चे प्रेमी ही इस कप को पी सकते थे क्योंकि अगर झूठे होठ से छूते थे तो यह ग्रे और सुस्त और बादल हो जाता था यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं छोटे पृष्ठ ने कहा क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट और राजा ने अपने वेतन को दूसरी बार दोगुना कर दिया क्या सम्मान है सभी दरबारियों को रोया भोज के बाद एक गेंद होनी थी दुल्हन को एक साथ रोज डांस करना था और राजा ने बांसुरी बजाने का वादा किया था वह बहुत बुरी तरह से खेला लेकिन किसी ने भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह राजा था वास्तव में वह केवल दो हवाओं को जानता था और कभी भी निश्चित नहीं था कि वह कौन सा खेल रहा था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने जो भी किया हर कोई रोया आकर्षक आकर्षक कार्यक्रम का आखिरी आइटम आतिशबाजी का एक शानदार प्रदर्शन था जिसे आधी रात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था छोटी राजकुमारी ने अपने जीवन में कभी आतिशबाजी नहीं देखी थी इसलिए राजा ने आदेश दिया था कि रॉयल पायरोटेक्निस्ट को उसकी शादी के दिन उपस्थित होना चाहिए आतिशबाजी की तरह क्या है उसने राजकुमार से पूछा था एक सुबह जब वह छत पर टहल रही थी वे अरोड़ा बोरेलिस की तरह हैं, राजा ने कहा जिन्होंने हमेशा उन सवालों के जवाब दिए जो अन्य लोगों को संबोधित थे केवल बहुत अधिक प्राकृतिक मैं उन्हें अपने आप को सितारों के रूप में पसंद करता हूँ जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि वे कब दिखाई देने वाले हैं। और वे मेरे अपने बांसुरी वादन की तरह रमणीय हैं आप उन्हें जरूर देखें इसलिए राजा के बगीचे के अंत में एक महान स्टैंड की स्थापना की गई थी और जैसे ही रॉयल पायलटेक्निस्ट ने सब कुछ अपने उचित स्थान पर रखा था आतिशबाजी एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया दुनिया निश्चित रूप से बहुत सुंदर है थोड़ा स्कविब्रोया बस सुन पीले ट्यूलिप को देखो क्यों अगर वे असली पटाखे थे तो वे खोद नहीं सकते थे मुझे खुशी है कि मैंने यात्रा की है यात्रा मन को आश्चर्यजनक रूप से बेहतर बनाती है और सभी पूर्वाग्रहों को दूर करती है किंग्स गार्डन विश्व नहीं है आप मूर्खता करते हैं एक बड़े रोमन कैंडल ने कहा दुनिया एक विशाल जगह है और इसे अच्छी तरह से देखने के लिए आपको तीन दिन लगेंगे एक ऐसी जगह जिसे आप प्यार करते हैं वह आपके लिए दुनिया है एक सघन कैथरीन व्हील जो शुरुआती जीवन में एक पुराने सौदे के बॉक्स से जुड़ी थी और खुद को उसके टूटे हुए दिल पर गर्व किया लेकिन प्यार कोई फैशनेबल नहीं है कवियों ने इसे मार दिया है उन्होंने इसके बारे में इतना कुछ लिखा कि किसी को भी उन पर विश्वास नहीं हुआ और मैं हैरान नहीं हूँ सच्चा प्यार पीड़ित है और चुप है मैं खुद को एक बार याद करता हूँ लेकिन अब कोई बात नहीं है रोमांस अतीत की बात है बकवास रोमन कैंडल ने कहा रोमांस कभी नहीं मरता यह चंद्रमा की तरह है और हमेशा के लिए रहता है उदाहरण के लिए दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मैंने आज सुबह एक भूरे रंग के कागज के कारतूस से उन सभी के बारे में सुना जो खुद के रूप में एक ही दराज में रह रहे थे और नवीनतम कोट समाचार जानते थे लेकिन कैथरीन व्हील ने अपना सिर हिला दिया रोमांस मर चुका है रोमांस मर चुका है रोमांस मर चुका है वह बड़बड़ाया वह उन लोगों में से एक थी जो सोचते हैं कि यदि आप एक ही बात को कई बार और अधिक बार कहते हैं तो यह अंत में सच हो जाता है अचानक एक तेज सूखी खांसी सुनाई दी और वे सभी गोल दिखे यह एक लंबा, शानदार दिखने वाला रॉकेट था जो एक लंबी छड़ी के अंत में बंधा था कोई भी अवलोकन करने से पहले वह हमेशा खासता था ताकि ध्यान आकर्षित हो सके अहम अहम उन्होंने कहा और हर कोई गरीब कैथरिन व्हील को छोड़कर सुनता था जो अभी भी अपना सिर हिला रहा था और बड़बड़ा रहा था रोमांस मर चुका है गण गण एक क्रैकर बाहर रोया वह कुछ राजनेता थे और स्थानीय चुनावों में हमेशा एक प्रमुख हिस्सा लेते थे इसलिए वे उचित संसदीय अभिव्यक्तियों का उपयोग करना जानते थे काफी मरा कैथरीन व्हील फुसफुस और वह सोने चली गई जैसे ही एकदम चुप्पी हुई रॉकेट ने तीसरी बार खांसी की ओर शुरू हुआ वह बहुत धीमी स्पष्ट आवाज के साथ बोला जैसे कि वह अपने संस्मरणों को निर्धारित कर रहा था और हमेशा उस व्यक्ति के कंधे पर नज़र रखता था जिससे वह बात कर रहा था वास्तव में उनके पास सबसे विशिष्ट तरीका था यह राजा के बेटे के लिए कितना भाग्यशाली है उसने टिप्पणी की कि उसकी शादी उसी दिन होनी है जिस दिन मुझे छोड़ दिया जाएगा वास्तव में अगर यह पहले से व्यवस्थित किया गया होता तो यह उसके लिए बेहतर नहीं हो सकता था लेकिन प्रिंसेस हमेशा भाग्यशाली है प्रिय मुझे छोटे स्कवीब ने कहा मुझे लगा कि यह दूसरा रास्ता था और यह कि हमें राजकुमार के सम्मान में जाने दिया जाएगा आपके साथ ऐसा हो सकता है उसने जवाब दिया वास्तव में मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह है लेकिन मेरे साथ यह अलग है मैं एक बहुत ही उल्लेखनीय रॉकेट हूँ और उल्लेखनीय माता पिता हूँ मेरी माँ अपने दिन की सबसे प्रसिद्ध कैथरिन व्हील थी और अपने सुंदर नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी जब उसने अपनी महान सार्वजनिक उपस्थिति बनाई तो वह बाहर जाने से पहले उन्नीस बार गोल हो गई और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसने हवा में सात गुलाबी सितारों को फेंक दिया वह तीन फीट और व्यास में आधा था और बहुत बारूद से बना था मेरे पिता खुद की तरह और फ़्रेंच निष्कर्षण के एक रॉकेट थे वह इतना ऊंचा उड़ गया कि लोग डर गए कि कहीं वह फिर से नीचे न आ जाए हालांकि उन्होंने दयालु स्वभाव के थे और उन्होंने स्वर्ण बारिश की बौछार में सबसे शानदार वंशज बना दिया अखबारों ने बहुत ही चापलूसी भरे शब्दों में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा दरअसल कोर्ट गजट ने उन्हें पाई कला की जीत कहा बंगाल लाइट ने कहा पाई पियोटेक्निक आपका मतलब है मुझे पता है कि यह पायलोटेक्निक है क्योंकि मैंने इसे अपने कनस्तर पर लिखा देखा था मैंने कहा पायलोटेक्निक ने एक गंभीर स्वर में रॉकेट का जवाब दिया और बंगाल लाइट को इतना कुचल दिया गया कि वह एक बार में छोटे स्क्वीब को धमकाने के लिए शुरू हुआ यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी कुछ महत्व का व्यक्ति था डंडा मैं कह रहा था रॉकेट जारी रखा मैं कह रहा था मैं क्या कह रहा था आप अपने बारे में बात कर रहे थे रोमन कैंडल ने जवाब दिया बेशक मुझे पता था कि मैं कुछ दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहा था जब मैं बहुत रुकावट था मैं अशिष्टता और हर तरह के बुरे व्यवहार से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं बेहद संवेदनशील हूँ पूरी दुनिया में कोई भी इतना संवेदनशील नहीं है जितना कि मैं हूँ मुझे इस पर पूरा यकीन है एक संवेदनशील व्यक्ति क्या है रोमन कैंडल को क्रैकर कहा रोमन कैंडल ने कम काना फूसी का जवाब देते हुए कहा एक व्यक्ति जिसने खुद को कॉन्स किया है हमेशा दूसरे लोगों के पैर की उंगलियों पर टिक करता है और क्रैकर लगभग हंसी के साथ फट गया प्रार्थना करो तुम क्या हंस रहे हो रॉकेट से पूछताछ की मैं हंस नहीं रहा हूँ क्रैकर ने कहा मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ यह एक बहुत ही स्वार्थी कारण है रॉकेट ने गुस्से में कहा आपको खुश रहने का क्या अधिकार है आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए वास्तव में आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए मैं हमेशा अपने बारे में सोच रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी भी ऐसा ही करेंगे इसे ही हमदर्दी कहते हैं यह एक सुंदर गुण है और मैं इसे एक उच्च डिग्री में रखता हूँ उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए मेरे साथ रात को कुछ भी हुआ जो हर एक के लिए दुर्भाग्य की बात होगी राजकुमार और राजकुमारी फिर कभी खुश नहीं होंगे उनका पूरा विवाहित जीवन खराब हो जाएगा और राजा के लिए मुझे पता है कि वह उस पर नहीं चढ़ेगा वास्तव में जब मैं अपनी स्थिति के महत्व को प्रतिबिंबित करना शुरू करता हूँ तो मैं लगभग आंसू में चला जाता हूँ यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हैं रोमन कैंडल रोया आप बेहतर खुद को सूखा रखना था निश्चित रूप से ने बंगाल लाइट को बेहतर बनाया जो अब बेहतर आत्माओं में थी यह केवल सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान वास्तव में रॉकेट ने आक्रोश से कहा आप भूल जाते हैं कि मैं बहुत असामान्य हूँ और बहुत ही उल्लेखनीय हूँ क्यों किसी के पास सामान्य ज्ञान हो सकता है बशर्ते कि उनकी कोई कल्पना न हो लेकिन मेरे पास कल्पना है क्योंकि मैं चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचता क्योंकि वे वास्तव में हैं। मैं हमेशा उन्हें काफी अलग होने के बारे में सोचता हूँ अपने आप को सूखा रखने के लिए जाहिर तौर पर यहाँ कोई नहीं है जो भावनात्मक प्रकृति की सराहना कर सकता है अपने लिए सौभाग्य से मैं परवाह नहीं करता केवल एक चीज जो जीवन के माध्यम से निर्वाह करती है वह है हर किसी की असीमहीनता की चेतना और यह एक ऐसी भावना है जिसकी मैंने हमेशा खेती की है लेकिन आप में से किसी के भी दिल नहीं है यहाँ आप हंस रहे हैं और ठीक वैसे ही बना रहे हैं जैसे कि राजकुमार और राजकुमारी की अभी शादी नहीं हुई थी ठीक है वास्तव में एक छोटी सी आग गुब्बारा क्यों नहीं यह एक सबसे खुशी का अवसर है और जब मैं हवा में चढ़ता हूँ तो मैं सितारों को इसके बारे में बताने का इरादा रखता हूँ जब आप उनसे सुंदर दुल्हन के बारे में बात करेंगे तो आप उन्हें देख लेंगे आह जीवन का एक तुच्छ दृश्य रॉकेट ने कहा लेकिन यह केवल वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है आप खोखले और खाली हैं। क्यों? शायद राजकुमार और राजकुमारी एक ऐसे देश में रहने के लिए जा सकते हैं जहाँ एक गहरी नदी है और शायद उनके पास एक ही बेटा हो सकता है राजकुमार की तरह बैंगनी आँखों वाला एक छोटा सा गोरा बालों वाला लड़का और शायद किसी दिन वह अपनी नर्स के साथ बाहर घूमने जाए और शायद नर्स एक बड़े पेड़ के नीचे सो सकती है और शायद छोटा लड़का गहरी नदी में गिर जाए और डूब जाए कैसा भयंकर दुर्भाग्य है गरीब लोग अपने इकलौते बेटे को खोने के लिए यह वास्तव में बहुत भयानक है मैं इस पर कभी नहीं उतरूंगा लेकिन उन्होंने अपना इकलौता बेटा नहीं खोया रोमन कैंडल ने कहा कोई दुर्भाग्य उनके साथ नहीं हुआ है मैंने कभी नहीं कहा कि उनके पास था रॉकेट ने उत्तर दिया मैंने कहा कि वे हो सकता है अगर वे अपने एक लौते बेटे को खो देते तो मामले के बारे में और कुछ कहने में कोई फायदा नहीं होता मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूध के ऊपर रोते हैं लेकिन जब मुझे लगता है कि वे अपने इकलौते बेटे को खो सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हूँ आप निश्चित रूप से हैं बंगाल लाइट रोया वास्तव में आप सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला था आप सबसे कठोर व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला रॉकेट ने कहा और आप राजकुमार के लिए मेरी दोस्ती को नहीं समझ सकते रोमन कैंडल के कारण क्यों आप उसे भी नहीं जानते मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे जानता था रॉकेट ने जवाब दिया मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि अगर मैं जानता था कि मुझे उसका दोस्त नहीं बनना चाहिए किसी के दोस्तों को जानना बहुत खतरनाक बात है फायर बैलून ने कहा आपने वास्तव में खुद को सूखा रखना बेहतर समझा यह महत्वपूर्ण बात है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुझे कोई संदेह नहीं है रॉकेट का जवाब दिया लेकिन अगर मैं चुनता हूँ तो मैं रोऊंगा और वह वास्तव में असली आंसू में बह गया जो बारिश की बूंदों की तरह अपनी छड़ी से बह गया और लगभग दो छोटे बीटल डूब गए जो बस एक साथ घर बसाने की सोच रहे थे और रहने के लिए एक अच्छे सूखे स्थान की तलाश कर रहे थे व्हील ने कहा उसके पास वास्तव में रोमांटिक प्रकृति होनी चाहिए जब वह रोता है तो रोने के लिए कुछ भी नहीं होता है और उसने एक गहरी आह भरी और सौदा पेटी के बारे में सोचा लेकिन रोमन कैंडल और बंगाल लाइट काफी आक्रोश में थे और कहते रहे बग पाखंड उनकी आवाज के शीर्ष पर वे बेहद व्यावहारिक थे और जब भी वे किसी भी चीज पर आपत्ति जताते थे तो उसे बुग कहते थे फिर चांद दे अद्भुत चांदी की ढाल की तरह होगा और तारे चमकने लगे और महल से संगीत की आवाज आने लगी राजकुमार और राजकुमारी नृत्य का नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने इतनी खूबसूरती से नृत्य किया कि ऊंची सफेद लिली खिड़की से झांककर कर उन्हें देखने लगी और महान लाल पोपियों ने उनके सिर और धड़कन को चकमा दिया फिर दस बज गए और फिर ग्यारह और फिर बारह और आधी रात के आखिरी स्ट्रोक में हर एक छत पर आया और राजा ने रॉयल पायरोटेक्निस्ट के लिए भेजा आतिशबाजी शुरू करो राजा ने कहा और रॉयल पायरोटेक्निस्ट ने कम धनुष बनाया और बगीचे के अंत तक मार्च किया उनके साथ छह टेनेंट थे जिनमें से प्रत्येक ने एक लंबे पोल के अंत में एक हल्की मशाली। ली यह निश्चित रूप से एक शानदार प्रदर्शन था वह वह कैथरीन व्हील चला गया क्योंकि वह गोल और गोल घूमती थी बूम बूम रोमन कैंडल गए फिर स्क्विब ने सभी जगह नृत्य किया और बंगाल लाइट्स ने सब कुछ लाल रंग का बना दिया गुड बाय फायर बैलून रोया क्योंकि वह छोटे नीले स्पार्क को छोड़ते हुए दूर चला गया बैंग बैंग पटाखे का जवाब दिया जो खुद का आनंद ले रहे थे उल्लेखनीय रॉकेट को छोड़कर हर एक को बड़ी सफलता मिली वह रोने के साथ इतना नम था कि वह बिल्कुल भी नहीं जा सकता था उसमें सबसे अच्छी बात बारूद की थी और वह आंसुओं से इतनी गीली थी कि उसका कोई फायदा नहीं था उनके सभी खराब संबंध जिनके बारे में वह कभी नहीं बोलते सिवाय एक छींटे टिके आग के फूलों के साथ अद्भुत सुनहरे फूलों की तरह आकाश में गोली मार दी हजा हजा कोट में रोया और छोटी राजकुमारी खुशी से हंस पड़ी मुझे लगता है कि वे मुझे किसी भव्य अवसर के लिए जला रहे हैं रॉकेट ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका क्या मतलब है और वह पहले से कहीं अधिक शानदार दिखे अगले दिन काम करने वाले सब कुछ ठीक करने आए यह स्पष्ट रूप से एक प्रतिनियुक्ति है रॉकेट ने कहा मैं उन्हें गरिमा बनने के साथ प्राप्त करूंगा, इसलिए उन्होंने अपनी नाक हवा में डाल दी और गंभीर रूप से भड़कने लगे जैसे कि वह किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोच रहे थे लेकिन उन्होंने उस पर तब तक कोई गौर नहीं किया जब तक वे बस चले नहीं जा रहे थे तभी उनमें से एक की नजर उस पर पड़ी हलो वह रोया क्या बुरा रॉकेट है और उसने उसे दीवार पर खाई में फेंक दिया बेड रॉकेट बेड रॉकेट उसने कहा जैसा कि वह हवा के माध्यम से घूमता है असंभव। ग्रैंड रॉकेट यही तो उस आदमी ने कहा था खराब और भव्य ध्वनि बहुत समान है वास्तव में वे अक्सर समान होते हैं और वह कीचड़ में गिर गया यह आरामदायक नहीं है उन्होंने टिप्पणी की लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कुछ फैशनेबल पानी देने वाली जगह है और उन्होंने मुझे अपने स्वास्थ्य की भर्ती के लिए दूर भेजा है मेरी नसें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बिखर गई है और मुझे आराम की आवश्यकता है फिर एक छोटे से मेंढक चमकीले गहने वाली आँखें और हरे रंग का मटमैला कोट उस पर झूल गया एक नया आगमन मैं देख रहा हूँ मेंढक ने कहा ठीक है सबके बाद कीचड़ की तरह कुछ भी नहीं है मुझे बारिश के मौसम और एक खाई दे दो और मैं काफी खुश हूँ क्या आपको लगता है कि यह एक गीली दोपहर होगी मुझे यकीन है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ लेकिन आकाश काफी नीला और बादल रहित है अफसोस की बात है अहम अहम रॉकेट ने कहा और वह खानसने लगा आपके पास कितनी आनंदमय आवाज है मेंढक रोया वास्तव में यह एक क्रो की तरह है और क्रोकिंग निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अधिक संगीतमय ध्वनि है आज शाम आप हमारे उल्लास क्लब को सुनेंगे हम किसान के घर के पास पुराने बतख तालाब में बैठते हैं और जैसे ही चांद उगता है हम शुरू करते हैं यह इतना रोमांचकारी है कि हर कोई हमारी बात सुनने के लिए जाग जाता है वास्तव में कल ही मैंने सुना था कि किसान की पत्नी ने अपनी माँ से कहा कि वह रात को नींद की झपकी नहीं ले सकती यह अपने आप को इतना लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे अधिक संतुष्टिदायक है अहम अहम रॉकेट गुस्से में कहा वह बहुत नाराज था कि उसे एक शब्द भी नहीं मिल रहा था मेंढक की आवाज निश्चित रूप से मेंढक जारी रखा मुझे उम्मीद है कि आप बतख तालाब पर आ जाएंगे मैं अपनी बेटियों की तलाश में हूँ मेरी छह खूबसूरत बेटियां हैं और मुझे डर है कि पाइक उनसे मिल सकता है वह एक आदर्श राक्षस है और उन्हें नाश्ता करने में कोई संकोच नहीं होगा अच्छा अलविदा मुझे हमारी बातचीत बहुत अच्छी लगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वार्तालाप वास्तव में रॉकेट ने कहा आपने पूरे समय खुद से बात की है यह बात चीत नहीं है किसी को सुनना चाहिए मेंढक ने उत्तर दिया और मैं खुद सारी बातें करना पसंद करता हूँ यह समय बचाता है और तर्कों को रोकता है लेकिन मुझे तर्क पसंद है रॉकेट ने कहा मुझे उम्मीद नहीं है मेंढक ने शालीनता से कहा तर्क अत्यंत अश्लील है अच्छे समाज में सभी के लिए समान राय है दूसरी बार गुड बाय मैं अपनी बेटियों को दूर से देखता हूँ और छोटा में तैर कर दूर चला जाता है आप बहुत चिड़चिड़े व्यक्ति हैं, रॉकेट ने कहा और बहुत बीमार मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो खुद के बारे में बात करते हैं जैसा कि आप करते हैं जब कोई अपने बारे में बात करना चाहता है जैसा कि मैं करता हूं, इसे मैं स्वार्थ कहता हूं, और स्वार्थ एक सबसे घृणित बात है खासकर मेरे स्वभाव में से किसी एक के लिए क्योंकि मैं अपने सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के लिए जाना जाता हूँ वास्तव में आपको मेरे द्वारा उदाहरण लेना चाहिए आप संभवतः एक बेहतर मॉडल नहीं बना सकते अब जब आपके पास मौका है तो आपने इसका बेहतर लाभ उठाया है क्योंकि मैं लगभग तुरंत कोर्ट जा रहा हूँ मैं कोर्ट में एक महान पसंदीदा हूँ वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी कल मेरे सम्मान में शादी कर रहे थे बेशक आप इन मामलों में से कुछ भी नहीं जानते हैं क्योंकि आप एक प्रांतीय हैं उससे कोई अच्छी बात नहीं हुई एक ड्रैगन फ्लाई ने कहा जो एक बड़े भूरे रंग के उभार के शीर्ष पर बैठा था कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि वह चला गया है ठीक है यह उसका नुकसान है मेरा नहीं रॉक कितने जवाब दिया उन्होंने कहा मैं उससे बात करना बंद नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह कोई ध्यान नहीं देता है मुझे खुद बात सुनना पसंद है यह मेरे सबसे बड़े सुखों में से एक है मैं अक्सर अपने आप से लंबी बातचीत करता हूं और मैं इतना चतुर हूं कि कभी कभी मैं जो भी कह रहा हूं उसका एक भी शब्द समझ नहीं आता तो आपको निश्चित रूप से दर्शन पर व्याख्यान देना चाहिए ड्रैगन ने कहा और उसने प्यारे धुंधले पंखों की एक जोड़ी फैला दी और आकाश में उड़ गया यहाँ नहीं रहने के लिए उसे कितना मूर्खतापूर्ण रॉकेट ने कहा मुझे यकीन है कि उसे अपने दिमाग में सुधार करने का मौका नहीं मिला है हालांकि, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है मेरी जैसी प्रतिभा को किसी दिन सराहा जाना निश्चित है और वह नीचे कीचड़ में धंस गया कुछ समय बाद एक बड़ा डक उसके पास आया उसके पीले पैर और पैरों में वेबदार पैर थे और उसे अपनी बेड़ियों के कारण एक बड़ी सुंदरता माना जाता था क्वैक, क्वैक, क्वैक। उसने कहा आप एक उत्सुकाकृति हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस तरह पैदा हुए थे या यह एक दुर्घटना का परिणाम है यह काफी स्पष्ट है कि आप हमेशा देश में रहते हैं रॉकेट का जवाब दिया अन्यथा आप जानते होंगे कि मैं कौन हूँ हालांकि मैं आपके अज्ञानता का बहाना करता हूँ अन्य लोगों से स्वयं के रूप में उल्लेखनीय होने की अपेक्षा करना अनुचित होगा आपको यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और सुनहरी बारिश की बौछार में नीचे आ सकता हूँ डक ने कहा मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता अब यदि आप बैल की तरह खेतों की जुताई कर सकते हैं या घोड़े की तरह एक गाड़ी खींच सकते हैं या भेड़ बकरियों की तरह देख सकते हैं जैसे कि कुछ होगा मेरा अच्छा प्राणी रॉकेट ने बहुत करकश स्वर में रोया मैं देख रहा हूँ कि आप निचले क्रम के हैं। मेरी स्थिति का व्यक्ति कभी भी उपयोगी नहीं होता है हमारे पास कुछ उपलब्धियाँ हैं और यह पर्याप्त से अधिक है मुझे किसी भी प्रकार के उद्योग के साथ कोई सहानुभूति नहीं है कम से कम ऐसे उद्योगों के साथ जो आप अनुशंसा करते हैं वास्तव में मेरी हमेशा से यह राय रही है कि कड़ी मेहनत केवल उन लोगों की शरण है जिनके पास कुछ भी नहीं है ठीक है ठीक है डक ने कहा जो एक बहुत ही शांत स्वभाव का था और कभी किसी से झगड़ा नहीं किया हर किसी का स्वाद अलग है मुझे उम्मीद है किसी भी दर पर आप यहाँ अपना निवास स्थान लेने जा रहे हैं ओह प्रिय नहीं रॉकेट रोया मैं केवल एक आगंतुक एक प्रतिष्ठेता आगंतुक हूँ तथ्य यह है कि मुझे यह स्थान थकाऊ लगता है यहाँ न तो समाज है न एकांत वास्तव में यह अनिवार्य रूप से उपनगरीय है मैं शायद कोट वापस जाऊँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं दुनिया में सनसनी बनाने के लिए किस्मत में हूँ दक ने टिप्पणी की मुझे सार्वजनिक जीवन में एक बार प्रवेश करने का विचार था ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है वास्तव में मैंने कुछ समय पहले एक बैठक में कुर्सी संभाली और हमने उन प्रस्तावों की निंदा की जो हमें पसंद नहीं थे हालांकि उनका ज्यादा असर नहीं दिख रहा था अब मैं घरेलूता के लिए जाता हूँ और अपने परिवार की देखभाल करता हूँ मैं सार्वजनिक जीवन के लिए बना हूँ रॉकेट ने कहा और इसलिए मेरे सभी संबंध हैं, यहाँ तक कि उनमें से हम्बल भी हैं। जब भी हम दिखाई देते हैं हम बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं मैं वास्तव में स्वयं प्रकट नहीं हुआ हूँ लेकिन जब मैं ऐसा करूँगा तो यह एक शानदार दृश्य होगा घरेलूता के रूप में यह तेजी से एक उम्र का है और उच्च चीजों से किसी का मन विचलित करता है आह जीवन की ऊंची चीजें वे कितने ठीक हैं? बतख ने कहा और यह मुझे याद दिलाता है कि मुझे कितनी भूख लगती है और उसने कहा क्वैक 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 वापस लौटे वापस लौटे रॉकेट चिल्लाया मुझे तुमसे कहने के लिए एक बड़ी बात है लेकिन बतख ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया मुझे खुशी है कि वह चली गई है उसने खुद से कहा वह एक निश्चित मध्यवर्गीय दिमाग है और वह अभी भी, भी कीचड़ में थोड़ा गहरा डूब गया था और प्रतिभा के अकेलेपन के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब अचानक सफेद स्मोक्स में दो छोटे लड़के केतली और कुछ भगोट के साथ बैंक के नीचे भागते हुए आए यह प्रतिनियुक्ति होना चाहिए रॉकेट ने कहा और उन्होंने बहुत सम्मानजनक दिखने की कोशिश की हेलो, लड़कों में से एक ने पुकारा इस पुरानी छड़ी को देखो मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे आया और उसने रॉकेट को खाई से बाहर निकाला पुरानी छड़ी रॉकेट ने कहा असंभव गोल्ड स्टिक यही उन्होंने कहा गोल्ड स्टिक बहुत प्रशंसा योग्य है वास्तव में उन्होंने मुझसे न्यायालय के गणमान्य व्यक्तियों में से एक के लिए गलती की हम इसे आग में डाल दें दूसरे लड़के ने कहा केतली को उबालने में मदद मिलेगी इसलिए उन्होंने फागोट्स को एक साथ ही ढेर किया और रॉकेट को ऊपर रखा और आग जलाई यह शानदार है रॉकेट रोया वे मुझे व्यापक दिन प्रकाश में बंद करने जा रहे हैं ताकि हर कोई मुझे देख सके हम अब सो जाएंगे उन्होंने कहा और जब हम जागेंगे तो केतली उबलेगी और वे घास पर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। रॉकेट बहुत नम था इसलिए उसे जलने में लंबा समय लगा हालांकि अंत में आग ने उसे पकड़ लिया अब मैं जा रहा हूँ वह रोया और उसने खुद को बहुत कठोर और सीधा कर लिया मुझे पता है कि मैं सितारों की तुलना में बहुत अधिक जाऊँगा चंद्रमा से बहुत अधिक सूर्य से बहुत अधिक वास्तव में मैं इतना ऊंचा जाऊंगा सीटी 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 और वह सीधे हवा में चला गया रमणीय वह रोया मैं हमेशा के लिए इस तरह जाना होगा मुझे क्या सफलता मिली लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा फिर उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी सनसनी सी महसूस होने लगी अब मैं विस्फोट करने जा रहा हूँ वह रोया मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा और ऐसा शोर मचाऊंगा कि कोई भी पूरे साल किसी और के बारे में बात नहीं करेगा और उसने निश्चित रूप से विस्फोट किया बैंग 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 बारूद गया इसके बारे में कोई संदेह नहीं था लेकिन किसी ने भी उसे नहीं सुना दो छोटे लड़कों को भी नहीं क्योंकि वह सोए हुए थे फिर उसके पास जो कुछ बचा था वह छड़ी थी और यह एक हंस की पीठ पर गिर गया जो खाई के किनारे टहल रहा था अरे या वाह हंस रोया यह लाठी बरसाने वाला है और वह पानी में चली गई मुझे पता था कि मुझे एक महान सनसनी पैदा करनी चाहिए रॉकेट को हांफते हुए और वह बाहर चला गया कहानी का अंत धन्यवाद